आज इस वीडियो के अंदर हम टॉप 10 बेस्ट एडवेंचर मूवीज को कवर करेंगे जो बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, एडवेंचर मूवीज देखने की एंजॉयमेंट कुछ अलग ही होती है। ऐसी मूवीज बहुत ही एंटरटेनिंग होती है जिस वजह से एडवेंचर मूवीज की क्रेज कभी खत्म नहीं होती है। दोस्तों बता दें, आज के इस लिस्ट में हमने कुछ एनिमेटेड एडवेंचर मूवीज को भी इंक्लूड किया है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। सो गाइस, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 10, इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी 2023। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है डेयर डेविल आर्कियोलॉजिस्ट इंडियाना जोन्स की, जो एक लीजेंडरी डायल को नाजियों के हाथ लगने से बचाया था। और इस बात की अब काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन एक फॉर्मर नाजी जो अब नासा के लिए काम करता है, वो उस डायल के पीछे पड़ जाता है। उसे किसी भी हालात में वो डायल चाहिए। अगर उसे वो डायल मिल जाती है तो उस डायल की मदद से टाइम ट्रेवल कर सकता है और दुनिया की हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल सकता है। अब इंडियाना जोन्स अपने ग्रैंड डॉटर के साथ एक लाइफ टाइम एडवेंचर पर निकलते हैं उस डायल बाकी हिस्से को खोजने, जिसके पीछे वह नाजी पड़ा है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 6.7 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 9, टाइमलाइन 2003। एक बहुत ही अमेजिंग एडवेंचर मूवी है जिसमें आर्कियोलॉजिकल स्टूडेंट्स के एक ग्रुप की कहानी दिखाई गई है जो एक टाइम ट्रेवल मशीन को डिस्कवर करते हैं। फिर वह सारे अपने प्रोफेसर को वापस लाने के लिए उस टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हैं और साल 1357 में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनका लाख उतनी अच्छी नहीं थी और वह सारे फ्रांस में मेडिवल इरा में चले जाते हैं, जहाँ ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच भयंकर वार चल रही थी। अब इसके आगे की कहानी आपको मूवी देख कर ही पता लगेगा। 5.6 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 8, टेल ऑफ द मोमी 1998। कहानी की शुरुआत होती है एक इजिप्शियन एग्जीबिशन साइट से, जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट के एक टीम खजाना की तलाश करते हुए एक इजिप्शियन प्रिंस की टूम को खोल देते हैं। लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं होती है कि वो टूम शापित है। लेकिन उस बात की 50 साल बीत चुकी होती है और उस प्रिंस की मोमी इमोर्टल पावर्स के साथ ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने लौट आता है। अब उस इविल मूवी को किस तरह से रोका जा सकता है, जानने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। 4 out of 10 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 7, द सी बीस 2022। इस मूवी को आप जरूर वॉच करिएगा अगर आपको एडवेंचर मूवीज देखनी पसंद है तो। इस मूवी के अंदर एक छोटी सी लड़की होती है जो एक फिशरमैन के साथ उसके बोट पर सवार हो जाती है और समुद्रों की एक यात्रा पर निकलती है। लेकिन उनकी यह जर्नी बहुत ही जल्द खतरनाक हो जाती है जब समुद्रों में उनका सामना भयावह सी मॉन्स्टर से होता है। अब वह क्या करते हैं, यह मूवी के अंदर देख सकते हैं। यह एक बहुत ही अमेजिंग मूवी है जिसे IMDb पर 7 out of 10 की रेटिंग मिली है। परिवार क्या है, प्रिय बच्चे। नंबर 6, लंबरलैंड 2022। मूवी के अंदर एक यंग लड़की होती है जो एक दिन एक सेक्रेट मैप को डिस्कवर करती है जो ड्रीम वर्ल्ड ऑफ लंबरलैंड की है। फिर वह उससे जगह पर जाने की सपना देखने लगती है और लकीली एक दिन उसकी मुलाकात एक आउटलो से होता है और फिर वो उस आउटलो के साथ लंबरलैंड की एक अनोखी यात्रा पर निकलती है, इसी उम्मीद में कि वो अपने मरे हुए पिता को फिर से देख पाएगी। आगे की स्टोरी मूवी के अंदर देख सकते हैं। 6.7 की रेटिंग है मूवी के IMDb पर। नंबर 5, नाइट बुक्स 2021। इस मूवी के अंदर एक विश होती है जो बहुत सारे बच्चे को अपने मैजिकल अपार्टमेंट पर कैद कर लेती है। उन बच्चों में से एक का नाम होता है एलेक्स, जो कि स्केरी स्टोरीज की बहुत बड़ा फैन होता है। उसने एक दिन एक डरावनी कहानी उस चुड़ैल को सुनाता है, जिसके बाद उस चुड़ैल को यह कहानी इतनी अच्छी लगती है कि वह उसे सिर्फ कहानी सुनाने का काम देती है। या तो एलेक्स को हर रात उसे कहानी सुनानी है या फिर हमेशा के लिए कैद होकर रह जाना है। अब आगे की कहानी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 5.8 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। नंबर 4, द सुपर मारियो ब्रॉस 2023। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेटेड एडवेंचर मूवी है जिसमें कहानी दिखाई गई है प्लम्बर्स ब्रदर्स मारियो एंड लुइगी की। वह एक दिन एक अंडरग्राउंड वाटर पाइप को ठीक कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली वह पाइप के थ्रू एक जादुई दुनिया में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उस जादुई दुनिया में वे अलग हो जाते हैं तो एक नई एडवेंचर शुरू होता है, जिसे आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 7.1 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 3, लुका 2021। ये कनाडा बहुत ही अमेजिंग एनिमेटेड एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है एक सी मॉन्स्टर लुका की। वो एल्बर्टो से दोस्ती करता है जो उसकी तरह का एक और मॉन्स्टर है और वो उसे एक लैंड एडवेंचर पर ले जाता है। वो अपने माता पिता को अंधेरे में रखते हुए एक रोमांचक समर का एक्सपीरियंस करने लगते है जो की बहुत ही अमेजिंग है। आगे की कहानी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 7.4 की रेटिंग है इस मूवी की IMDb पर। नंबर 2, द मोमी टूम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्पायर 2008। कहानी की शुरुआत होती है फेमस मोमी फाइटर्स रिक एंड इबी कॉनेल से, जिनके बेटा फार ईस्ट में खोज करने के लिए जाता है। लेकिन वो वहाँ पर एक इबिल गवर्नर के जाल में फंस जाता है, जिसे बचाने उसके पेरेंट्स चाइना पहुंच जाते हैं और उन्हें एक डायमंड को भी वहाँ से सुरक्षित लाना है, जिसे ब्रिटिश म्यूजियम में रखा जाना है। लेकिन वह सारे एक एंशियन चाइनीज एम्पायर के टूम को खोल देते हैं, जिससे उसे पावर मिल जाता है और वह हजारों सालों के बाद जमीन पर लौट आता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब रिक एंड इबी और उनके बेटे एलेक्स को एक शापित डगर को ढूंढना होगा, जिससे उस एम्पायर को मारा जा सकता है। आगे की स्टोरी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 5.2 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर।
नंबर वन मोना 2016। दोस्तों एक बहुत ही अमेजिंग एनिमेटेड मूवी है जो आपको बहुत पसंद आ सकती है। मूवी के अंदर कहानी दी गई है एक छोटी सी लड़की मोना की, जो एक सी आइलैंड पर रहती है। उसके आइलैंड की फिशरमैन कोई भी मछली पकड़ नहीं पाते और उनकी हर एक जाल फेल हो जाती है। फिर मोना को पता चलता है कि एक डेमीगॉड ने उसके आइलैंड को शाप देकर शापित कर दिया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो मोना पैसिफिक ओशियन में एक हिपिक जर्नी पर निकलती है उस डेमीगॉड से मिलने, ताकि उसके आइलैंड से वह शाप हट जाए और पहले के जैसा सब कुछ हो जाए। अगली कहानी आप इस मूवी के अंदर देख सकते हैं। 7.6 की रेटिंग है मूवी की IMDb पर। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉप 10 एडवेंचर मूवीज़ के लिस्ट। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कर देना, और आने वाली ऐसी अमेजिंग मूवीज़ के लिस्ट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।